हेलो, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट आशीष पारिक। अक्सर वैज्ञानिक तब खुशी मनाते हैं जब कोई बड़ी खोज होती है या फिर कोई थ्योरी सही साबित होती है, लेकिन शायद ही कभी ऐसा होता होगा कि किसी थ्योरी के गलत होने पर खुशी मनाई जा रही हो। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में यही हाल है फिलहाल, क्योंकि शिकागो स्थित फर्मी लैब के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी विसंगति की खोज की है, यानी कि अनोमली की खोज की है, जो फिजिक्स की दुनिया में तहलका मचा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि इससे एक नए फिजिक्स की खोज हो सकती है जो ब्रह्मांड के सभी रहस्यों पर से पर्दा उठा सकता है। तो ये थ्योरी आखिरकार है कौन सी, किस विसंगति या फिर अनोमली की बात हो रही है और आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जानते हैं। जिस थ्योरी की यह बात हो रही है वो है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, और म्यून नामक पार्टिकल के मैग्नेटिक मोमेंट में ऐसी विसंगति मिली है जो साइंटिस्ट को यह सोचने पर मजबूर कर रही कि क्या हमने आज तक जो फिजिक्स पढ़ा है वो कहीं अधूरी या गलत तो नहीं। वेल, इसकी शुरुआत हुई थी 2001 में, जब न्यूयॉर्क के ब्रुकहेवन नेशनल लैब के वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान यह नोटिस किया कि म्यूंस नामक पार्टिकल, नाउ ये जो होते हैं म्यूंस नामक पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन की तरह ही होते हैं लेकिन उससे 207 गुना भारी होते हैं। वेल, ये पार्टिकल्स कुछ अजीब बिहेव कर रहे थे एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, और जब उन्होंने इसके मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर किया तो ये पाया कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो थियोरिटिकल वैल्यू से काफ़ी अलग था। तो इसका मतलब क्या है? वेल, इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी एनर्जीज या सीक्रेट फोर्सेस म्यूंस पे प्रेशर डाल रही थी जिनके बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। इसे नाम दिया गया था G-2 अनोमली का, और पिछले 20 सालों से इसने दुनिया भर के साइंटिस्ट के होश उड़ा दिए हैं। वेल, इसके पीछे का साइंस सिंपल है। इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही म्यून का भी एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है और वो अपने आप के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करता है, और इससे कुछ टेम्पररी पार्टिकल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब ये टेम्पररी पार्टिकल्स उल्टा म्यून पे कुछ तरह का प्रेशर डालते हैं और जिसके वजह से म्यून का मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जो है वो हल्के से चेंज होता है, जो ओरिजिनल वैल्यू था उससे हल्का सा चेंज होता है। वेल, इस नए वैल्यू को हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आइडियली प्रेडिक्शन वैल्यू और कैलकुलेशन वैल्यू, जो दोनों वैल्यू है वो सेम होने चाहिए, लेकिन ऐसा 2001 में नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट के दौरान, और यही इस एनोमली के पीछे का साइंस है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि साइंटिस्ट को ये नहीं पता चला कि ये जो डिफरेंस आ रहा था दोनों वैल्यू के बीच में, ये उनकी गलती के वजह से आ रहा था या फिर इसकी वजह कोई और थी जिसकी खोज आज तक हुई नहीं थी। हालांकि ये वैल्यू सिर्फ 0.00000000346 है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि डिविएशन हुआ है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स से। तो आखिरकार ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स है क्या और इसकी अहमियत क्या है? ये मॉडर्न फिजिक्स का एक ऐसा मॉडल है जो कि आपको डिफाइन करता है, जो कि डिफाइन करता है दुनिया के सारे पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं और अलग अलग कंडीशंस में इन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। इसे फिजिक्स की जगत का आप बाइबल ही समझ लीजिए। लेकिन जिस G-2 अनोमली की हम बात कर रहे हैं, ये मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इससे दो बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये कि या तो ये मॉडल गलत है, यानी कि जो हम फिजिक्स अब पहले से पढ़ते आए हैं उसमें कुछ फ्लॉज है, या फिर दूसरा कुछ ऐसे फोर्सेस है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है और ये डिस्कवरी कोई और दुनिया की चाबी हो सकती है। वेल, ऐसे कई टॉपिक है जो स्टैंडर्ड मॉडल अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे कि ग्रेविटी, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी या फिर न्यूट्रिनो मासेस। तो फिर 2001 की खोज की बात करते हैं। इसके बाद इस पूरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप को फर्मी लैब ने शिकागो में शिफ्ट करवाया, और अब ये पता चला है कि असल में डिविएशन 2001 के 2.7 सिग्मा से बढ़कर 4.2 सिग्मा है। ये प्रिसिशन एक्सपेरिमेंट का दावा है। तो आखिर इसके पीछे वजह क्या हो सकती है और फिजिक्स पे इसका क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं IISc बैंगलोर के प्रोफेसर बी अनंत सुब्रमण्यम से, जिन्होंने इस टॉपिक पे काफी दशकों से रिसर्च किया है। खोज बहुत महत्वपूर्ण है। ये भौतिकी के नियमों को बाधित नहीं करता है, लेकिन हमें भौतिकी के नियमों को विस्तार करने की आवश्यकता है, जिससे हमारा तात्पर्य यह है कि ऐसे कण होने चाहिए जो पहले नहीं देख गए हैं। हालांकि इस डेटा के फ्लूक होने के चांसेस 1 in 40,000 हैं, इसे कोई डिस्कवरी तो फिलहाल नहीं माना जा सकता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो डेटा अभी रिलीज हुआ है वो सिर्फ 6% है, 94% अभी आना बाकी है। तो आप कह सकते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष के यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।